हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सुना है कि अब तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हमारे मुल्क में भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा। ये भी मेरे ही मुल्क है, तो ये कि मसला है कि गर्मी तो आनी ही है। आखिर ये कि अपने मुल्क में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उतनी यहाँ पे वैसा ही हिसाब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठंड भी तो फिर उतनी ज़्यादा ही शिद्दत से पड़ती है ना। तो अपने आप को कवर करना चाहिए। आजकल वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया कि खांसी वगैरह का, बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जाती है और फिर खुद ही ठीक भी हो जाती है। मीन्स में ना आमतौर पर ज़्यादातर यही होता है कि मेडिसिन वगैरह ना ही यूज़ में अवॉइड करती हूँ, या ज़्यादातर ना यूज़ करना कि वैसे ही ठीक हो जाए। तो मुझे इतना नहीं होता कि यूज़ की जाए मेडिसिन, तो क्या जहाँ हम यूज़ कर रहे हो तो किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी तो फिर होते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बाकी आप लोग भी अपना ख्याल रखें, मौसम की वजह से अपने घर वालों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक ये है कि बहुत देर से ड्रामा चल रहा था एक, आई थिंक के काफ़ी ज़्यादा मंथ हो गए थे, 6-7 मंथ हो ही गए थे आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था कि ये जी लड़ाई हो गई है, उसकी लड़ाई हो गई है, इसकी लड़ाई हो गई है, नसरुल्ला की लड़ाई हो गई है, नहीं सॉरी, मोगन जी शर्मा की लड़ाई हो गई है, इसकी लड़ाई हो गई है। बड़ा ना हाईलाइट किया जा रहा था हर चीज़ को। तो आए दिन ये जी लड़ाइयाँ हो गई हैं, वो हो गई हैं, ये हो गई हैं। तो ठीक है, लड़ाई होती है, हर जगह होती है। तो लड़ाई डाली भी तो बुल्लड़ बुल्लड़ बुल्लड़ी के जो हस्बैंड है, बुल्लड़ जी, बुल्लड़ काला बुल्लड़ ने और खुसरी ने डाली थी, उनकी छत पे जाके वीडियो रिकॉर्ड की थी। आई थिंक इसी वजह से ज़्यादा बात बढ़ गई थी कोई। तो अच्छा जी, चलें जी, लड़ाई हो गई, एक दो बंदों में फैमिली में हर जगह ही होता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बहन भी तो होते हैं, तो उनकी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ना आग में घी डालने वाला काम करना, किस तरह तो हम लोग किसी की करा नहीं सकते। अब इसलिए इन लोग की हैसियत क्या है, सुलह कैसे करा सकते हैं कि वो कौन सा जानता है कि नहीं। टॉपिक मिला हुआ है अपना ही कि चले जी इनके सर पे चढ़ के कि वीडियो रिकॉर्ड की जाएंगी, किया जाए वो किया जाए। मेरे पास तो टाइम नहीं होता है ये, कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ, बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ। इवन कि इनकी भी पेंडू लोगों की भी वीडियो रह जाती है, रोज़ाना किसी एक आध की देख ली तो देख ली, अदरवाइज और की नहीं देखी जाती है मुझसे। तो बाकी होंगे मैंने कहाँ देखनी है। तो ये है कि आज थोड़ा सा मतलब फ्री थी मैं, थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो उस हिसाब से देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ना यूट्यूब को भी, तो उसमें मैंने देखा कि जी इनकी तो सुलह हो गई है और कुछ मतलब लोगों ने आग भी बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी। ठीक है, किसी का फैमिली मैटर है, किसी का मसला चल रहा है, कोई अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसका मसला है, आपका मसला नहीं है, मतलब हमारे किसी का मसला नहीं है, वो उसका मसला है। अगर ठीक है लड़ाई भी हो गई है तो एक दूसरे को मतलब इज्जत नीलाम करना एक दूसरे की, के लोगों के साथ मिलके अपने भाई की बुराइयां करना, जैसे गंजू शर्मा ने पता नहीं कौन कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। एक औरत है जिनके घर बुलड़ी नहीं आई है, मानते हैं बुलड़ी भी ठीक नहीं है, बिल्कुल मान लेते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ उसकी आदतें बातों से ही इंसान का पता लगाया जा सकता है, उसके लहजा मीन्स हर चीज़ उसकी नोट की जाती है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज की भी। तो ये है कि ठीक है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं है, लेकिन आप मतलब फैमिली हो, आप लोग के रिलेटिव्स हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आके क्यों बता रहे हो, यूट्यूब पे आके कहानी और कर रहे हो। नहीं नहीं हो सकता है सच्ची हो, होगा भी सच्ची, लेकिन आपको ये चाहिए नहीं है कि आके आप पकड़ के बातें करनी शुरू कर दें, ये शुरू कर दें वो शुरू कर दें। कोई इज्जत अपनी भी होती है, अगले बंदे की भी होती है, ये तो नहीं ना है कि आखिर तो मुझे तो पहले दिन से ही पता था। मैं ये नॉर्मल भी मेरी अदरवाइज घर में तो मेरा टॉपिक ये होता ही नहीं है, घर वालों में अपनी मदर इन लॉ को दिखा देती हूँ, कभी कभी वो देख लेती हैं लोग की वीडियोस, अदरवाइज़ वो भी नहीं देखती हैं अली वीर वगैरह की। तो मैं भी कम ज़्यादा ही होता है कि इतना टाइम होता नहीं है, तो देख मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि देखने तो मुझे होती है एक आध वीडियो। अच्छा, उसमें ये इन्होंने किया कि हर तरह से तमाशा लगा दिया, कि पहले दिन से मुझे पता था ये जो ड्रामा हो रहा है सब कुछ हो रहा है ना, आखिर इसने सुलह ही करनी है।
बाकी एक जो यहाँ से गया था सारा, उसने वहाँ पे जाके प्ले देखा इधर की, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कमाई की जा रही है क्यों ना, मे भी इसके जब लोग उसने कहा वीडियोस डाल रहे हैं, मतलब गंदे गंदे से लोग, घटिया से लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ उठ के, जिनको अपनी इज्जत बेसी का परवाह ही नहीं है, लोगों के स्क्रीन शॉट्स में घुस रहे हैं वो, अब पता नहीं कहाँ से वो किसका स्क्रीन शॉट उठा के अपने कम्यूनिटियों पर शेयर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को कहीं से व्यूज़ मिल जाए, हम लोग की पब्लिसिटी हो जाए। ये बात ऐसे नहीं होती है कि ये, मुझे नहीं लग रहा कि वो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, कि ठीक है अपनी इज्जत इतनी यार इतना तो ना गिरा ना गिरा जाए कि इतना ज़्यादा गिर जाओ आप लोग के ऐसी हरकतों पे उतरो, अपनी इतना तो नहीं ना कि लोगों से अपनी इज्जत करवाते फिरो, कोई इज्जत भी होती है बेइज्जती तो ना ना करवाओ आप अपने लोगों से, हद में रहो, ठीक है तुम लोग भी लगे हुए हो, वो भी लगे हुए हैं, वो भी अपना तमाशा खुद बना रहे हैं, तुम लोग भी खुद बना रहे हो, एक लिमिट में बनाओ ना, तो मतलब लगे हुए इस तरह तो नहीं है कि लगे ही रहोगे अब तुम लोग तमाशा लगाने के लिए। अब ये है कि ऐसी चीज़ है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी चीज़ अगर किसी ने आपको कह भी दिया कोई बात तो गलत सही, आप उसको ये कैसे रफा दफ़ा कर देते हो, मतलब ठीक है नो प्रॉब्लम होता है, ये है वो है, सोशल मीडिया ऐसे है वैसे, उस चीज़ को और ज़्यादा दिखा रहे हो बैठ के, अपने आप बदनामी करा रहे हो, अपने आप इज्जत करा रहे हो, तो इसमें इज्जत का भाई काम नहीं है, इज्जत की बात कोई नहीं है। तो बाकी बात ये रह गई कि लोग बड़े ही पीछे पड़े हुए हैं, ये है वो है इनके, तो उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे अब मैं हूँ, मुझे क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बात करके कह रही हूँ ना, अब जैसे कि मैं हूँ मुझे पता है कि वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ को दोबारा नहीं देख रही होती, मेरा टाइम होता है, मींस के लगा दिए दे दिए हमने कुकिंग विद नाज़रीन, मेरा अपना चैनल है कुकिंग का, बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, तो आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस उनकी देखा करें और ट्राई किया करें, बहुत अच्छी होती है, ईजी होती हैं। अच्छा जी, तो ये है कि मतलब क्या मैं बात करती हूँ, हाँ कितना टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी वीडियो, ये होता क्या एक आध बार चेक कर ली देख ली, मीन्स के जब अपलोड करते हैं वो तो मैं देख लेती हूँ कि अच्छा लग गई है तो देख लूँ, या मैसेज ही आ जाता है मुझे कि अपलोड हो गई है तो अब देख लें, तो मैं देख लेती हूँ, तो मतलब हर बंदे का इंतज़ार होता है कि अच्छा जी मेरी वीडियो लगी है तो चले देख लें, तो उसमें मुझे तो पता ही होता है मैंने क्या बात की है, तो ये होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि अच्छा मैं बैठी रहूँ सारा दिन यूट्यूब पे, मेरा कोई घर है मेरे बच्चे हैं तो मुझे अपना अपना काम करना है, अब अपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये तो नहीं ना सारा दिन मैं इसी चीज़ के पीछे चिपकी रहूँ, एक शौक है ये जो भी है, अब मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, थैंक गॉड मेरा बहुत अच्छा काम है, हस्बैंड का स्टोर्स हैं उनके यहाँ पे, तो हाँ मैं तो नहीं है, मेरा एक शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए मैं डाल रही हूँ। अभी लोगों ने एक तो अपने कमाई का जरिया बना लिया और शौक शौक में ना मतलब इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि उन्हें अपनी इज्जत बेइज्जती का अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, बाकी बात ये रहेगी अलीवीर की, अलीवीर ने ये काम शुरू किया हुआ था कि बड़ा ज़्यादा ना उसने मीन्स के हर वीडियो अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, मैं तुम्हें हर गिज़ माफ़ नहीं करूँगा, जो किया है उसकी सज़ा मिलेगी, आप सब पकड़े जाएंगे, मतलब बड़ा एक ड्रामा क्रिएट हुआ। उसके बाद कोई उसके घर मेहरान आ गई थी रात के टाइम, जिसकी टाइट्स के निशान वो दिखा रहा था, उसके उसका गबरू जवान जो क्या नाम है उसका बाजी आंटी ब्लू नहीं है हुमेरा, वो नहीं थी घर में, अवेलेबल नहीं थी ना, तो उन्होंने हमला कर दिया था लेवीर, बच्चा छोटा है देख के उसको, ये बात नहीं है मतलब कि जब वो मतलब एक दूसरे को बुरा कहने पे आते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बुराइयाँ उठा उठा के लाई जाते हैं, उसके हर तरह से उसको बुरा कही जाते हैं, और जब इन्होंने सुलह करनी होती है, जब इन्होंने बात ख़त्म करनी होती है तो एक मिनट में तो ख़त्म हो गई, मतलब कि यार तुम लोगों ने सिर्फ अपना तमाशा लगाना तो ठीक है, पैसे मतलब कहना नहीं ऐसे चाहिए, क्योंकि किसी को अगर गिरे हुए पैसे उठा के ये लो जी ले लो तो बंदे का एक अपना सेल्फ है वो, मतलब हम नहीं इस चीज़ को ना मतलब कर सकते कि नहीं मैं यार नहीं पकड़ूंगी, मतलब हमारे कोई चीज़ ही नीचे गिर जाती है, अगर खाने वगैरह की तो कुछ लोग ऐसे भी रहते थे, मेरी फ्रेंड होती थी तो कोई चीज़ उसकी गिर जाती, नहीं 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 साफ करके खा लेते इसको क्या लग गया, तो मैं उस चीज़ का बड़ा करती थी, कहती हूँ तुम नीचे गिरी, मतलब जम्स होते हैं ठीक है, ज़ाया नहीं करनी चाहिए चीज़ के बाद भी ठीक है, लेकिन एक देखना भी तो चाहिए ना कि अपना भी आप भी तो देखना चाहिए, तो वो लोग इतना गिर जाते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए कि हमारे व्यूज़ आ जाएंगे, वीडियोज़ लग जाएंगी, हमारी हमारा चैनल चल जाएगा, इतना गिर जाते हैं, फिर अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं,
कि बंदे को चाहिए कि एक हद में रहे, मतलब फुल फैमिली अपनी शामिल कर ले। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली भी अंदर शामिल कर ली है। अब पहले तो अकेले अकेले वो लगे हुए थे, मत्ते जी जो थोड़ा सा अब नॉर्मल टाइप लोग हैं लगे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी फैमिली भी अपने अंदर शुरू कर लिया। ये भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तुम बैठ के वीडियो बनाते। बाकी जो लोग हैं उनको तो ये नहीं पता कि कैमरा कैसे रखना, उन्होंने टेढ़े होकर बैठ जाना, फंस फंसा के अंदर हैं, आँखें ऊपर कर करके, तो शक्लें पूरी ऊपर से हरकतें पूरी फंस जाना है अंदर। लेकिन ये नहीं करना कि कैमरा थोड़ा ठीक करके रखना है। खैर बाकी रही इसकी बात अलीवीर की, तो उसका फैमिली का मैटर था, वो था उसका भाई। ये कि लड़ भी लें, कहते हैं उन्होंने फिर भी होना ही होना है। इस बात को लोगों को तो इस बात में पढ़ना चाहिए नहीं था, आग में घी डालना चाहिए नहीं था। अगर उन्होंने डाल भी लिया था, इतना ज़्यादा डीप नहीं इस बात में जाना चाहिए था कि अपना ही तमाशा बनाना चाहिए। तो उनका क्या किया, अब वो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर उन्होंने अब ये कि जो लोगों ने उनके मतलब खिलाफ वीडियोज डाली हैं या जो लोगों ने उनके मतलब बहुत ज़्यादा हाई लिख किया इस बात को, लड़े हैं ये करें किसी को मारते हैं, अब तो तुम्हारे ही हो जाएगा, अब तुम नहीं बचोगे अलीवीर, ये वो। तो कुछ नहीं, वो तो फिर इकट्ठे हो गया, उन्होंने तुम लोग की बुराइयां करनी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में तुम लोग के खिलाफ भी वो वीडियो कोई अपलोड कर देगी, मीन्स तो तुम लोगों ने उसको इस काम पर लगाया। इन्होंने उन लोगों से हाथ इसलिए मंगा बुलाए थे कि जी हम लोग अपना मतलब काम हमारा चल पड़ेगा, उसने बुलाए थे हाथ, उसने अपना काम चलाना था। मतलब यहाँ सब मतलब को एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, बाकी ये कि कुछ ने किसी से कुछ लेना देना था नहीं है। जो अलीवीर है, अलीवीर ने अपनी ज़िंदगी गुजारी जानी है, उसकी ज़िंदगी यूट्यूब है, वो आए दिन उनके घर बिल्ड लोगों के घर भी लोग आ जाते हैं, ये वो चैनल बनाने लग गए हैं। तो उन्होंने अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ा लिया, पहले तो अलीवीर के पास आते थे, अब लड़ों के पास भी आने लगे। क्योंकि हमारा की वजह से उसने इतना ज़्यादा अपने भाइयों को सपोर्ट किया हुआ है कि अलीवा की भी सपोर्ट करने उसके कौन से अपने बहन भाई माँ बाप उससे मिलते हैं अलीवीर से। जो भी उसका हमारा ही है, तो हमारा के साथ ही वो मतलब चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसने उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो अच्छी बात है जो वो कर रहा करे, लेकिन ये है कि हद में रह के करना चाहिए, बेहद ही निकली हुई हर चीज़ को। खैर करते रहें जो वो कर रहे हैं फिलहाल। तो मुझे दीजिए आप इजाज़त, क्योंकि मुझे थोड़े काम भी हैं घर के और थोड़ा बाहर भी जाना है मैंने ग्रोसरी के लिए। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।